अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं, टोयोटा करोला 1988 1.5 एसटी लिमिटेड एडिशन। आपको व्हाइट कलर के अंदर गाड़ी इंपोर्ट की हुई गाड़ी मिल रही है। पूरी वर्ल्ड मतलब आप पूरी कंट्री के जहाँ से भी, अगर आप किस सिटी से भी आप थलग रखते हैं, अगर आप गाड़ी डिलीवर कराना चाहते हैं, तो वीडियो के लास्ट में डिटेल वाइज पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है इंशाल्लाह। तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर भी या डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने नंबर ऑलरेडी डाल रखा है, उनसे आप रब्ता करके गाड़ी डिलीवर या गाड़ी की डिटेल वाइज इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब इंशाल्लाह इसकी डिटेल वाइज रिव्यू की जानिब चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसके बाहर एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं, फ्रंट लुक की। फ्रंट इसकी प्रोफाइल काफ़ी नीट एंड क्लीन है, क्योंकि गाड़ी बाहर से इंपोर्ट करवाई गई है कुछ ही एक दो दिन पहले, और ओरिजिनल आपको इंटीरियर एक्सटीरियर आपको वाइल्ड करना जेन्युइन गाड़ी मिल रही है। इसके अगर बानेट की बात की जाए, बानेट आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल जाता है। ऊपर आपके इसके वॉशर मिल जाते हैं, फ्रंट स्क्रीन आपको नीट एंड क्लीन मिल जाती है, साइडों में आपको एल्युमिनियम के कवर्स मिल जाते हैं, फिंडर बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको मिल जाता है। यहाँ पर फिंडर के ऊपर आपको लावा लाइट छोटी सी आपको मिल जाती है, जो कि लिमिटेशन के अंदर ओरिजिनल आया करती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी लोगोज वगैरह आपको नहीं मिलता, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको जस्ट फिंडर इसका फिंडर मिल जाता है। फ्रंट इसकी हेडलाइट्स की बात की जाए, हेडलाइट्स आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन, जिसके अंदर आपको लॉय बीम का बल्ब मिल जाता है, साइड में आपको मीडियम लाइट और आपको छोटा सा इंडिकेटर दिया जाता है। फ्रंट इसकी ग्रिल की बात की जाए, तो इसकी ग्रिल आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर क्रोम कलर के अंदर आपको दी जाती है, मीडियम में इसका 3 स्टार का लोगो। अगर इसकी बम्पर की बात की जाए, तो बम्पर के मीडियम में आपको ब्लैक कलर किस्म का आपको मिल जाता है, आपको कलर सा जो कि गोला नमा, ठीक है, मीडियम में क्रोम कलर का गोला मिल जाता है, और पूरा बम्पर आपको वाइट कलर के अंदर मिल जाता है। नीचे आपको इसके इंडिकेटर दिए जाते हैं। ये जो नंबर है, ये कुछ जब गाड़ी इंपोर्ट की जाती है तो इसके कुछ नंबर लिखे जाते हैं, तो ये क्लीन हो जाएंगे, इसका कोई इशू नहीं होता, ये बहुत ही आसानी से पानी से वगैरह से ये रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जी इसके विंडोज़ की। विंडोज़ आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिल जाती हैं। पहले लेफ्ट साइड की पूरी फिंडर की बात कर लेते हैं। नीचे आपको विंडोज़ के मीटर में आपको रबड़ी नमा गोल्ड मिलता है, जो कि ऑलरेडी दरवाजे को प्रोटेक्ट करने लिए होता है, दूसरा गाड़ी की लुक में भी काफ़ी इजाफा करता है। विंडोज़ के हैंडल्स आपको ब्लैक मिलते हैं हार्ड प्लास्टिक के अंदर। साइड मिरर भी आपको इलेक्ट्रिक मिलते हैं, और आप अंदर से इन्हें एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। इसकी विंडोज़ के पैनल्स जो ये ऊपर आपको ब्लैक नज़र आ रहे हैं, ये आपको ओरिजिनल ब्लैक मिलते हैं, ठीक है। ऊपर की जाने आपको चारों जाने विंडोज़ की चारों जाने आपको फ्रंट से बैक साइड और ऊपर और नीचे की जाने चारों जाने आपको एल्युमिनियम का इसका गोला भी मिल जाता है, ठीक है। और इसकी फ्रंट प्रोफाइल, इसका फिंडर वगैरह सब नीट एंड क्लीन है। अब चले जाते हैं जी राइट साइड की जाने, और राइट साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़े बहुत स्क्रैच होंगे मामूली से वाल बराबर, थोड़े बहुत स्क्रैच, क्योंकि गाड़ी बाहर से आई है तो गाड़ी अभी वॉश भी नहीं हुई, तो जो बंदा अभी बाई करेगा उसे ज़रा सा थोड़ा बहुत अपनी इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जिस तरह यहाँ पर बम्पर थोड़ा बहुत हिला हुआ है, ये फिटिंग थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी ब्रांड न्यू आप समझ लें, ठीक है। और फिंडर बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ऊपर आपको इसका दूसरा मिल जाता है फ्रेम, वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। साइड मिरर का बिल्कुल ओके हैं, और हर लिहाज से गाड़ी माशाल्लाह नीट एंड क्लीन है। अब चले जाते हैं लेफ्ट साइड की बैक साइड के जानेब, और बैक साइड के अगर फिंडर की बात की जाए, लेफ्ट साइड जाने आपको इसका फ्यूल का ऑप्शन मिल जाता है, और जो कि आप अंदर से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बैक साइड के ऊपर आपको ग्रिल दी जाती है, और साइडों में आपको हार्ड प्लास्टिक की ग्रिल और साथ में आपको एल्युमिनियम का गोला दिया जाता है। बैक साइड की अगर स्क्रीन की बात की जाए, चारों जानेब आपको इसका गोला मिल जाता है, और बैक साइड स्क्रीन आपको हल्की हल्की मिल जाती है किलेजी किस्म की, ठीक है, जो कि अगर आप गाड़ी धूप पर खड़ी हो तो आपको ये हल्का हल्का ब्लैक शाइन करेगी, ठीक है। ये ओरिजिनल गाड़ी के अंदर ये ऑप्शन आता है। अब बात कर लेते हैं जी इसकी ट्रंक की, और बैक साइड की पूरी प्रोफाइल मैं आपको ठीक तरीके से दिखा दूंगा, लेकिन पहले इसके लोगोस की बात कर लेते हैं। 1.5 एसी लिमिटेड एडिशन आपको लोगो मिल जाता है, साथ में आपको टोयोटा करोला का ट्रंक इसका आपको काफ़ी स्मूथ से मिलता है। कुछ मॉडल्स के अंदर जो कि पाकिस्तानी एडिशन आए हैं, उसके अंदर आपको मिल जाता है ऊपर स्पॉइलर, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ नहीं दी जाती है। बैक साइड की अगर टेल लाइट्स की बात की जाए, तो इसके अंदर आपको टेल लाइट्स मिलती हैं, नीचे ब्रेक लाइट, ऊपर आपको इंडिकेटर, मीडियम में नंबर प्लेट का ऑप्शन, और हार्ड प्लास्टिक की साइड में आपको गोले मिल जाते हैं क्रोम कलर के, ठीक है। और मीडियम में ऑप्शन है, इसका बम्पर आपको डिसेंट सा मिलता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रेच मिलेगा, जो जहाँ पर इसका जॉइंट सा लगा हुआ है। इसके अलावा बम्पर और नीट एंड क्लीन है, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन। बैक साइड की बम्पर के ऊपर आपको क्रोम का लोगो आपको उसका मिल जाता है गोला नमा, और साइड में आपको ब्लैक कलर की एक लेयर सी दी जाती है। टोयोटा की ओरिजिनल आपको इसके अंदर चिकन मेट्स भी दी जाते हैं। और अभी मैं आपको ठीक तरीके से दिखा देता हूँ। विंडोज़ के हैंडल्स के अंदर आपको क्रोम का थोड़ी सी एक लाइन सी दी जाती है, और पूरा सिस्टम आपको मिल जाता है हार्ड प्लास्टिक ब्लैक कलर के अंदर। नीचे फिन बोर्ड आपको मिल जाता है ब्लैक कलर के अंदर, और टोटली आपको मिल जाती है ओरिजिनल अपने पेंट के अंदर वाइट कलर के अंदर दी जाती है हर चीज़। इंटीरियर एक्सटीरियर आपको ओरिजिनल जो आया करता था, वही आपको उसके अंदर मिल जाता है।
अभी मैं आपको राइट साइड की इसकी फ्रेम वगैरह दिखा देता हूँ जूम करके, आप देख लेख लें। और फ्रंट से लेके बैक साइड तक हर चीज़ नीट एंड क्लीन और कोई स्क्रैच वगैरह आपको नहीं मिलता। बैक साइड के फेंडर भी नीट एंड क्लीन है। बैक साइड के बम्पर के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्क्रैच मिलेगा और इसके अलावा यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रैच मिलता है। और ये जस्ट मार्कर से कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ये जस्ट रिमूव हो जाएंगे, इसके इतना इशू नहीं है, ठीक है। और ये आगे बैक साइड की स्क्रीन, और यहाँ पर आपको इसके अंदर बैक साइड के ऊपर आपको इसके और स्पीकर दिए जाते हैं डबल। और ये आगे इसकी बैक साइड की लुक, ठीक है। और यहाँ से ज़रा सा बम्पर उखड़ा हुआ है जो कि आप फिटिंग करवा लेंगे। और ये इसकी कुछ आगे फ्रेम बैक साइड का। अब चले जाते हैं जी इसकी इंटीरियर की जानेब। और इंटीरियर इसका देख लें, आपको मेरून कलर के अंदर आपकी गाड़ी मिल रही है। इंटीरियर वाइज काफ़ी नीट एंड क्लीन है, जस्ट काफ़ी डस्टी है और थोड़ा बहुत, क्योंकि गाड़ी इंपोर्ट करवाई आती है तो काफ़ी डिफरेंट जगह से होकर आती है, तो ज़रा सा मतलब है कि गाड़ी रफ़ यूज़ है। आप ये समझ लेंगे जब ये वॉश हो जाएगी अपनी, उसकी फिटिंग में कर लेंगे तो बिल्कुल गाड़ी पे जान ही नहीं सकेंगे, क्योंकि अभी जस्ट इसके ऊपर डस्टी डस्ट है। और ये आप जो इतनी कीज़ देख रहे हैं तो ये और गाड़ियाँ भी यहाँ पर इम्पोर्ट करवाई गई हैं, तो उनकी कीज़ साथ में साथ मतलब अटैच हैं, ठीक है। तो ये आगे इसका स्टेयरिंग, इसके अंदर आपको करोला का रेड कलर के अंदर आपको लोगोस दिया जाता है। स्टेयरिंग आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन। और ऊपर की जाने मिडम में आपको इसका स्पीडोमीटर मिलता है जो कि आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर दिया जाता है। राइट में आरपीएम मीटर, लेफ्ट में आपको स्पीडोमीटर, टेम्परेचर, फ्यूल गेज, इंजन लाइट्स दी जाती हैं। इसके ऊपर आपको इसका मिल जाता है रेडियो सिस्टम, ऊपर घड़ी आपको, और मिडम में आपको एसी वेंट्स दिए जाते हैं। राइट साइड की जाने आपको एसी के वेंट्स, और साइड में आपको कॉइन्स वगैरह का ऑप्शन दिया जाता है। और ये गाड़ी आपको ओरिजिनल ऑटोमेटेड गाड़ी दी जाती है। लेदर के अंदर आपको इसका डैशबोर्ड दिया जाता है। मिडम में आपको इसके मिल जाते हैं मैनुअल, इसके मिल जाते हैं बटन्स एसी वगैरह के कंट्रोल करने के। नीचे इसका रेडियो सिस्टम, कैसेट टमा जब उस टाइम पर आया करते थे तो वही सेम इसके अंदर ओरिजिनल चीज़ इंस्टॉल है। आपको MP3 वगैरह लगाना पड़ेगा। नीचे इसका आ जाता है हेड लाइटर का, नीचे इसका आ जाता है छोटा सा स्पेस आदि दी जाती है, जिसके अंदर आप मोबाइल वगैरह अगर चार्ज पर लगाएं तो नीचे आप रख सकते हैं। ऑटोमेटिक गाड़ी दी जाती है और उसकी अपनी ओरिजिनल फिटिंग के अंदर है, मेरून कलर के अंदर। हार्ड प्लास्टिक की आर्मरेस्ट दिया जाता है, आर्मरेस्ट काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पर आपको साइड मिरर कंट्रोल करने के बटन दिए जाते हैं। और 1988 मॉडल लिमिटेशन के अंदर या एक्सी लिमिटेशन के अंदर आपको साइड मिरर कंट्रोल करने के बटन ऑलरेडी यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट के नीचे दिए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऊपर की जाने आपको लेदर का पूरा मिल जाता है। और ये तो जस्ट ऊपर की जाने कोई धूप से नहीं पिछावा सता वो चीज़ है, ये डैशबोर्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ठीक है। ऊपर शायद कोई दरख्त वगैरह या कुछ भी है तो उसके ये ज़रा सा निशान पड़े हुए हैं, साया नुमा आ रहा है, जिस तरह यहाँ पर आप ये देख लें, ठीक है। और ये आगे इसका साइड में आपको एसी की विंड्स, नीचे आपको छोटी सी स्पेस दी जाती है, इसके अंदर भी आप बॉक्स के अंदर आप कुछ वगैरह चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। और नीचे आपको मेरून कलर के रिगजीन भी दी जाती है, और चिकन मेट भी आपको रिगजीन की मेरून कलर के अंदर दिए जाते हैं। ये आपसे ये समझ लें गाड़ी लक्जरी नुमा उस टाइम पर जो आया करती थी, ठीक है। अब भी गाड़ी की ड्राइव और इंटीरियर ज़बरदस्त है माशाल्लाह। अब इसके विंडोज़ की तरफ चले जाते हैं। विंडोज़ की जाने के ऊपर आपको इसकी लेदर दी जाती है, नीचे हार्ड प्लास्टिक दी जाती है, यहाँ पर आपको छोटी सी रिगजीन की भी दी जाती है अटैचमेंट। और मिडम में रिगजीन आपको मेरून कलर के अंदर दी जाती है, इसके अंदर आपको मैनुअल, आपको पावर बटन मिल जाते हैं। और मेरून कलर के अंदर सॉरी क्लेजी नुमा कलर के अंदर आपको इसके हार्ड प्लास्टिक लॉक के दिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ी सी आपको इसकी जो रिगजीन है वो थोड़ी सी उखड़ी मिलेगी, तो उसका मसला नहीं है, ये इसके साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो गाड़ी जब बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं तो जैसे गाड़ी रफ यूज़ हो जाती है। अच्छा, इसकी अगर सीट्स की बात की जाए तो आपको मेरून कलर के अंदर ही आपको इसकी सीट्स मिलती हैं। रेड इंटीरियर के अंदर इसकी स्टिचिंग वगैरह आप देख लें, काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी कम्फर्टेबल सीट्स हैं माशाल्लाह। अब चले जाते हैं जी बैक साइड की जाने। और बैक साइड की अगर स्पेस की बात पहले की जाए तो स्पेस इसकी मीडियम ही है, मीडियम तो नहीं, मीडियम से काफ़ी ज़्यादा ही है, आप 70-80% आप समझ लें कंफर्टेबल है। मीडियम में आवरेज के अंदर आपको सिगरेट के लिए जो जस्ट नुमा बॉक्स मिलता है वो भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। और रिगजीन आपको बिल्कुल स्पेस वाइज भी गाड़ी ठीक है। और अगर सीट्स की बात की जाए तो दो बंदे तो ऑलरेडी रिलैक्स बैठ सकते हैं, अगर आप तीन भी बिठाना चाहें तो इसके अंदर इशू नहीं है, इसके अंदर आर्मरेस्ट का ऑप्शन भी दिया गया है। बैक साइड की विंडोज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और इंटीरियर चेयर इसका काफ़ी ज़बरदस्त है। अभी मैं आपके इसकी फ्रंट की स्पेस दिखा देता हूँ, ये आगे इसकी फ्रंट की स्पेस। तो गाड़ी की सीट के लिहाज से आप देख लें गाड़ी की सीट किस तरह की है और कितनी कम्फर्टेबल सीट्स हैं, काफ़ी डाउन नुमा हैं। और आप अगर गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो तो गाड़ी एक किस्म की लक्जरी किस्म की आप समझ लें।
तो यहाँ पर इसकी ये इसका आ गया सील बेल्ट के साइड में आपको ओरिजिनल जो स्टिचिंग आती है, लोगोज आया टोयोटा के और मेड्स इन पता नहीं फलां 1989 इन हुई आईडी टोयोटा क्रोला फलां फलां जो इसका ऑप्शन दिए गए। ठीक है, अब चले जाते हैं जी इसके ट्रंक की जानेब। और यह आ गया इसका कुछ ट्रंक, ट्रंक की स्पेस की बात की जाए तो इसके अंदर आप 3 बैग रिलैक्स होकर रख सकते हैं और स्पेस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि गाड़ी ओरिजिनल फ्यूल के ऊपर आई है तो इसके अंदर आपको सिलेंडर वगैरह ये चीज़ नहीं मिलती। ये तो पाकिस्तानी है जो इसके अंदर लगवा लेते हैं, एक तो ट्रंक की स्पेस भी काफ़ी कम कर लेते हैं, दूसरा इंजन की माबेन हम कर लेते हैं जस्ट 3-4-5-10 रुपये बचाने के लिए। ठीक है, और इसके अंदर आपको इसकी कारपेट वगैरह ओरिजिनल मिल जाती हैं। और ये आगे इसका ट्रंक, ट्रंक देख लें फ्रेम वाइज किस तरह की है। मैंने आपके स्टार्ट में बताया था कि जस्ट ट्रंक की स्पेस सॉरी गाड़ी ज़रा सा रफ यूज़ हुई है, अगर ये क्लीन करवाई जाए तो गाड़ी बिल्कुल वन लक्जरी है ज़बरदस्त। इसके अंदर आपको ओरिजिनल इसकी स्टेपनी मिल जाती है येलो कलर के अंदर और इसकी स्टेपनी जैक वगैरह हर चीज़ व्हील पाना आपको मिल जाता है। और ये आगे इसके फ्रंट फ्रेम का जो इसकी आती प्लेट्स इसके अंदर आप देख लें ए ही 1991 मॉडल और 1500 cc आपको गाड़ी मिल जाती करोला ट्रेम फलां फलां जो भी इसका मॉडल नंबर इंजन नंबर हर चीज़ वही जापानी टोयोटा मोटर्स प्रोफेशन जापान। ठीक है, और ये आ गया इसका ट्रंक और इसकी ट्रंक सॉरी ट्रंक कह रहा हूँ इसका आगे इंजन रूम। और अगर इंजन रूम की बात की जाए तो इंजन इसका काफ़ी नीट एंड क्लीन है, फ्रेम वाइज काफ़ी डस्ट इसके ऊपर पड़ी है। इंजन इसके अंदर आपको 1600 वाल आपको ये 1500 cc इंजन मिल जाता है क्योंकि लोगों के लिहाज से तो 1500 cc गाड़ी है। ठीक है, 16 वाल मतलब 16 वाल EFI इंजन है और काफ़ी ज़बरदस्त और हेवी इंजन है। इसके अंदर आप AC हीटर आपको ओरिजिनल आपको परफेक्ट अपनी ओरिजिनल फिटिंग के अंदर मिल जाती हैं और फ्रेम वाइज गाड़ी बिल्कुल ज़बरदस्त माशाल्लाह। और यहाँ पर देख लें इसके ओरिजिनल जो आया करते थे उस टाइम पर इसके ठहिए नुमा देख लें, अब तो ये चीज़ें नहीं मिलती, मिलेंगी तो बहुत मुश्किल से। इसकी ओरिजिनल जो शॉक्स आया करते थे वो इसके अंदर फिटे थे, तो गाड़ी फ्रेम वाइज काफ़ी ज़बरदस्त है और इंजन वाइज भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है जैसी गाड़ी। अब पहले चले जाते हैं डिटेल वाइज और ये इसका व्हाट्सअप का नंबर है, आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मॉडल कौन सा है, फुल फ्रेश कार है, फुल ऑप्शन 1500 cc ऑल पाकिस्तान डिलीवर है। ठीक है, और FB के ऊपर भी इनका आपको डिटेल वाइज इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ये डिटेल वाइज इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगेगा, 1988 मॉडल का जापानी गाड़ी का काफ़ी ज़बरदस्त है और आप इंटीरियर एक्सटीरियर आप लोगों ने देख लिया कि कितनी नीट एंड क्लीन है माशाल्लाह। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो बिल्कुल ज़बरदस्त कंफर्टेबल गाड़ी है, फैमिली कार है, अगर आप फैमिली वगैरह के लिए भी लेना चाहें घर के लिए तो मतलब है कि अब इसकी प्राइस के मुझे इतना इल्म नहीं है लेकिन अगर इसकी ओरिजिनल प्राइस देखी जाए तो मेरे ख्याल से अगर टैक्स वगैरह पे करके हर चीज़ की जाए और आपको ये 7-8 लाख में पड़ जाएगी, लेकिन अभी मुझे इस चीज़ के इल्म ही इसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं हों तो फिर ये ओनर किस क्योंकि बाहर से लोग इंपोर्ट करवाते हैं सेल करने के लिए तो फिर ये गाड़ी वो कितने पैसों में देंगे, क्योंकि जितना गाड़ियां मैंने अपने मतलब रिव्यू की हैं तो पाकिस्तान में जो गाड़ियां बिल्कुल फ्रेश थीं और ओनर के नाम पर थीं और जैसे वो सेल कर रहे थे इस तरह की गाड़ियाँ लिमिटेशन तो वो कोई 12 लाख कोई 11 लाख डिमांड कर रहा था। तो अभी मुझे स्केल नहीं है कि इसका आप या ये क्या रेट लगाते हैं, तो आप नंबर वगैरह पर रब्ता करके ये चीज़ भी क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज ही लेते ना है। इसके अलावा अगर आप और किसी गाड़ी का रिव्यू भी चाहते हैं तो इंशाल्लाह वो हर किस्म की गाड़ियाँ आपको रिव्यूज़ वगैरह डिटेल वाइज इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, अपने भाई को दीजिए सलाम, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।